हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 4 जो कि है ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग, उसका आज क्लास नंबर 2 है। इसके पहले की क्लास, इसका सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप ये सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे, आपको सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इसके पहले की एक क्लास हो चुकी है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों को सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सारा यूनिट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करती ताकि आप लोग भी बोर ना हो, और जो मैं अंडरलाइन कराती हूँ उसको नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप लोगों को आसानी हो। आज की वीडियो में हम टॉपिक सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एग्जीक्यूटिंग पाइथन फ्रॉम द कमांड लाइन। इसकी पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को पाइथन होता क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या होता है और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और इसका स्ट्रक्चर सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे ना तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज की जो वीडियो है इसमें देखेंगे कि एग्जीक्यूटिंग पाइथन फ्रॉम द कमांड लाइन। अब पाइथन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपल सा मतलब ये समझ लें। अ पाइथन इंटरेक्टिव सेशन विल अलाउ यू टू राइट अ लॉट्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को अंडरलाइन करा रही हूँ उतनी ही चीज़ें आप लोग एग्ज़ाम में भी लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कैसे पाइथन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप लोगों के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी आप मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं, सारा लेक्चर ध्यान से देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताती हूँ उसको अच्छे ध्यान से करते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे। अगर आप मेरी सारी टिप्स को, ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए और जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जितनी गाइडेंस देती हूँ सारी चीज़ फॉलो करेंगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। और कंप्यूटर में क्या होता है ना कि इसमें ज़्यादा लिखने से ही आप लोगों को नंबर मिलते हैं। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लिखते हुए चलिए। पाइथन एक तरह का इंटरेक्टिव सेशन है जो कि हमें अलाउ करता है कि राइट करें बहुत सारे कोड्स को, बट वंस यू क्लोज द सेशन। लेकिन अगर हम जब सेशन को क्लोज कर देते हैं तो सारे जो चीज़ लिखी हुई रहती है वो लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए जो यूजुअल वे है राइटिंग का वो है पाइथन प्रोग्राम इज़ बाई यूजिंग प्लेन टेक्स्ट फाइल, जिसकी हेल्प से हम लोग प्लेन टेक्स्ट फाइल को लिखते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज समझिए, अब पाइथन इंटरेक्टिव सेशन, जो पाइथन एक तरह का इंटरेक्टिव सेशन है वो हमें अलाउ करता है, विल अलाउ यू टू राइट, वो आपको अलाउ करता है या मुझे अलाउ करता है राइट करने का अ लॉट्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स, हमें बहुत सारे कोड्स को लिखने में। लेकिन बट वंस यू क्लोज द सेशन, लेकिन जब आप सेशन को क्लोज कर देते हैं यू लूज एवरीथिंग यू हैव रिटन, आप सब कुछ खो जाते हैं जो आपने लिखा हुआ होता है। दैट इज़ वाई द यूजुअल वे ऑफ राइटिंग, इसी की वजह से जो यूजुअल वे है राइटिंग का, जो हम लिखने का तरीका बेस्ट तरीका है वो है पाइथन को प्रोग्राम्स का, इज़ बाई यूजिंग प्लेन टेक्स्ट फाइल, जिसका मतलब प्लेन टेक्स्ट फाइल्स का यूज़ करके पाइथन को प्रोग्राम को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले ओपन द टेक्स्ट एडिटर एंड राइट द फॉलोइंग कोड, हमें टेक्स्ट एडिटर खोलना है, फिर उसके बाद इसमें जो कोड दिया गया है हेलो वर्ल्ड, इसको हमें लिखना है, टाइप करना है। सेव द फाइल्स, और फाइल को सेव कर देना है अपनी इन योर वर्किंग डायरेक्टिव विद द नेम, अपने नाम से और उसमें सॉफ्टवेयर में सेव कर देना है। तो हेलो डॉट पाई विद द टेक्स्ट प्रिंट रेडी यू कैन कंटिन्यू रीडिंग, मतलब कुछ इस तरीके से हेलो डॉट पाई, इस तरीके से टेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट स्क्रिप्ट जो होगी रेडी हो जाएगी। ठीक, एक टेक्स्ट लिखा है ना तो यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए था, टेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास रेडी हो जाएगी और हम लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग द पाइथन कमांड, अब पाइथन का कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। टू रन पाइथन स्क्रिप्ट विद द पाइथन कमांड, अगर हमें पाइथन को चलाना है, उसकी स्क्रिप्ट को चलानी है तो पाइथन के कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू ओपन अ कमांड लाइन एंड टाइप इन द वर्ड पाइथन और पाइथन 3। आप लोग अगर एक चीज़ बता रही हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं समझते हैं तो मैं आप लोगों को हिंदी में भी समझाती हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पर ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी ना हो कि इंग्लिश में मैंने बस अंडरलाइन करा दी, उसी को नोट्स बनाना है, उसी को रट्टा मार के जाना है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कराती हूँ। अगर आप लोगों को रट्टा मारना पड़े ना तो मेरी क्लास लेने का कोई मतलब ही ना हो। मैं आप लोगों के लिए 20-25 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, समझाती हूँ, ढंग से समझाती हूँ, इतना टाइम लगाती हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से समझिए। मैं हिंदी में भी समझाती हूँ ताकि ऐसा ना हो आप लोगों को कि हिंदी में ना समझ में आए और आप लोग इंग्लिश में बता के चली जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत कायदे से समझा रही हूँ, तो आप लोग भी समझिए ध्यान से। वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट करके मत देखिए, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, मैंने बताया कि अगर हमें पाइथन स्क्रिप्ट को चलाना है तो पाइथन के कमांड को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कमांड लाइन को ओपन करना पड़ेगा और पाइथन और पाइथन 3 को टाइप करना पड़ेगा। चाहे पाइथन टाइप करो चाहे पाइथन 3 टाइप करो। If we have both version followed by the path to our script just like this and python 3 hello.py, अगर हमारे पास ये वर्ज़न है तो हम लोग जैसे hello लिखे थे ना hello world, तो कुछ इस तरीके से hello.py करके प्रिंट आया था, तो वो हमारा hello world करके प्रिंट कर देगा। ठीक, अगर हम सारे कमांड को फॉलो करते हैं, अच्छे से करते हैं तो। इफ़ एवरीथिंग वर्क्स ओके, अगर अच्छे से चल रहा है सब कुछ, आफ्टर यू प्रेस इंटर, जब आप इंटर प्रेस करेंगे, यू शॉल सी द फ्रेज हेलो वर्ड ऑन योर स्क्रीन। जब आप इंटर प्रेस करोगे तो जो हेलो वर्ड आपने प्रिंट किया था वो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। दिस इज़ इट, यू हैव जस्ट रन योर फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट। इससे मतलब ये कह रहा है कि आपने पहला जो पाइथन का स्क्रिप्ट है अच्छे से फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि पाइथन के बारे में, वो IDLE। मैंने आप लोगों को क्या बताए थे, ये सब एलिमेंट्स ही तो बताए थे आप लोगों को कैसे ये काम करता है। तो ये IDLE क्या है, एक एलिमेंट है पाइथन का। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। IDLE एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन है, मतलब एक तरह का पाइथन के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इट इज़ पैकेज्ड एज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द पाइथन। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है ना, इसको आप लोग चाहें तो कुछ पॉइंट्स आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं, नहीं तो ये पूरा एक छोटा छोटा टॉपिक है, चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से हिंदी में भी बना के लिख सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। आइडल एक तरह का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन है। इट इज़ पैकेज्ड एज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द पाइथन पैकेजिंग विथ मैनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे इसमें पैकेजिंग होते हैं जिसमें बहुत सारे लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ कम्प्लीटली रिटन इन द पाइथन एंड द GUI टूल किट। ये पूरी तरीके से लिखा जाता है पाइथन में और GUI टूल किट की इसका यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें। ठीक, आइडल इज़ एन इंटेंडेड टू बी सिंपल IDE एंड सुइटेबल फॉर बिगनर स्पेशली। जो इतना समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स के लिए यूज़फुल होता है। कुछ इसके मेन फीचर देख लेते हैं, जैसे कि मल्टी विंडो, ये मेन फीचर याद रखिएगा, मल्टी विंडो टेक्स्ट एडिटर विथ सिंटेक्स हाईलाइटिंग ऑटो कंप्लीशन स्मार्ट इंडेंट एंड अदर्स। पाइथन शॉल विथ सिंटेक्स हाईलाइटिंग इंटीग्रेटेड डिबग्स विथ स्टेपिंग परसिस्टेंट ब्रेक पॉइंट एंड कॉल स्टॉप विजिबिलिटी। समझिए इसमें कह रहा है कि बहुत सारे मल्टी विंडो टेक्स्ट एडिटर का इसमें यूज़ किया जाता है, बहुत सारे सिंटेक्स हाइलाइटर्स होते हैं जिसमें कि ऑटो कंप्लीशन होता है, स्मार्ट होता है ये तरह का, और बहुत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड करता है, रिप्रेजेंट करता है, और डिबगर्स भी होता है इसमें। डिबगर्स में क्या होता है कि मतलब कुछ स्टेप्स में ये ब्रेकडाउन भी होता है, ब्रेक पॉइंट्स भी होता है, परसिस्टेंट रहता है, कॉल स्टॉप विजिबिलिटी रहती है। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखिए या इसको और भी समझने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं ना, जैसे कि कंप्यूटर की होती है, जो कि हमारी डेली लाइफ से थोड़ी सी भी इंटरेक्ट नहीं करती हैं। कुछ ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं इस टाइप की, तो थोड़ी आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की। ये डायनेमिक टाइप्स है, ये आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैंने जितना अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप लोग पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि जो एक बार समझा देती हूँ। अच्छा ठीक है, पाइथन इज़ कॉल्ड डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ये एक तरह का डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है जिसमें कि बहुत सारे पॉपुलर लैंग्वेजेस आते हैं, सी और C++, जावा, ये सारे कि इसके फीचर्स इंक्लूड हैं। ठीक, और इसमें क्या है, पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड इज यूज्ड, इट डज नॉट नो अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल अंटिल द कोड इज रन। इसमें दिया गया बस कैसे ये रन करता है। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, अगर हम
x इज इक्वल टू 6 करना है तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा टाइप ये ब्रैकेट लगा करके x और पूरा ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। दिस विल स्टोर 6 इन द मेमोरी बाइंड द टेक्स्ट x टू 8 मतलब x में ये 6 स्टोर कर लेगा। आफ्टर इट रन्स टाइप x विल बी इंट मतलब प्रिंट मतलब यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला एग्जांपल है, एक तरह का प्रोग्राम भी दिया गया है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि हम प्रोग्राम करना है पाइथन प्रोग्राम को प्रिंट करना है हेलो पाइथन, तो हम सॉल्यूशन में इसका क्या लिखेंगे कि हमें पाइथन प्रोग्राम को कैसे बताना पड़ेगा, हमें उसमें लिखना पड़ेगा प्रिंट फिर डैश रहेगा फिर ब्रैकेट में रहेगा हेलो पाइथन, तो इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा जब हम इंटर करेंगे वो हेलो पाइथन आएगा। ऐसे ही प्रोग्राम नंबर 2 देख लीजिएगा। फिर इसके बाद इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन क्या होता है इसको समझिएगा। वी यूज इनपुट जिसे हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से इनपुट लेता है मतलब इनपुट का मतलब ही क्या होता है कि यूज़र से इंफॉर्मेशन को लेना। वॉट एवर यू इंटर द इनपुट फंक्शन कन्वर्ट इट इंटू अ स्ट्रिंग, जो हम लोग इंटर करते हैं इनपुट फंक्शन में वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इंटर को इफ़ यू इंटर एन इंटीजर वैल्यू स्टिल इनपुट फंक्शन कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग, ठीक यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है कैसे इसको यूज़ करते हैं और इसका एग्जांपल दिया गया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। अब ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है मतलब पाइथन लैंग्वेज में कुछ डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाना है पाइथन डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। इसमें क्या लिखना है जैसे कि पूछ लिया गया पाइथन डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, तो इसमें बताइएगा आप लोग पाइथन डॉक्यूमेंटेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी गुड। एक चीज़ और बता रही हूँ, जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में दूंगी उसको ही आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी चैप्टर तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, कभी कोई भी चीज़ आप लोगों की मिस ना हो चैप्टर मैं पूरा पढ़ा रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसके आंसर्स को भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से और इसका लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देख लीजिएगा, आप लोगों का पूरा चैप्टर पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन है हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी गुड, इसे कंसिडर किया गया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देयर आर अ नंबर ऑफ रीज़न फॉर दिस, इसका बहुत सारा रीज़न है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग द अर्ली कमिटमेंट ऑफ द पाइथन क्रिएटर जो कि गुडुंगु वैन रोसम थे टू प्रोवाइड करे थे डॉक्यूमेंटेशन को ऑन द लैंग्वेज एंड इट्स लाइब्रेरीज एंड कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूज़र कम्युनिटी इन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। इतने पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी और भी किसी तरह का डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट की वीडियो में मैं और भी आगे के टॉपिक्स को कवर करूँगी, वीडियो थोड़ी सी छोटी ही रखती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को एक दिन में दो दो क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग भी बोर हो जाए और आप लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़े, और जितना मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, लिखते हुए चलिएगा, एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। बाकी आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश कंप्यूटर साइंस मेरे चैनल पर अवेलेबल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय एंड स्टे सेफ।